हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये है डेल इंस्पिरॉन 5509 लैपटॉप। इसकी अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। बैटरी के रिलेटेड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे इस लैपटॉप का, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस, जो वेरिएंट मेरे पास अवेलेबल है। इंटेल का i5 11th जनरेशन का प्रोसेसर है, 8GB की रैम अवेलेबल है और ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है। इस लैपटॉप में आपको 53 वैट आर की 4 सेल वाली लिथियम आयन बैटरी मिल जाएगी। ये लैपटॉप 65 वैट्स के फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इसके डिस्प्ले को मैक्सिमम ब्राइटनेस पे रखा है और रेजोल्यूशन रखा है फुल HD प्लस, यानी कि 1920x1080p। तो सबसे पहला टेस्ट है वीडियो प्लेबैक। मेरे पास एक स्टॉक वीडियो पड़ा है जिसको मैं रिपीट पे 2 घंटे के लिए प्ले करने वाला हूँ। बीच बीच में मैं आपको बैटरी का अपडेट देते रहूँगा। तो अब यहाँ पे 30 मिनट हो गए हैं वीडियो को प्ले होते हुए। बैटरी का परसेंटेज ड्रॉप होकर 94% पे आ गया है, 6% का ड्रॉप देखने को मिला है। नेक्स्ट अपडेट देंगे हम आपको 1 घंटे बाद। तो यहाँ पे 1 घंटे बाद बैटरी आ गई है 88% पे, टोटल 12% का ड्रॉप देखने को मिला है यहाँ पे। और हीटिंग की बात करें तो लैपटॉप बिल्कुल हीट नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो नेक्स्ट अपडेट देंगे हम आपको 2 घंटे बाद। तो यहाँ 2 घंटे हो गए हैं कंप्लीट, बैटरी 24% ड्रॉप के साथ आ गई है 76 पे। इन रिजल्ट्स के हिसाब से अगर आप अपने लैपटॉप पे कोई भी मूवी या फिर कोई ऑफलाइन वीडियोस देख रहे हैं तो आपको 8 से 9 घंटे का बैटरी बैकअप मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब हम बेंचमार्क टेस्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रेसफुल टेस्ट होता है, और देखेंगे बैटरी परसेंटेज किस प्रकार से ड्रॉप होता है। तो लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं बेंचमार्क टेस्ट को रन होते हुए और इसी के साथ बैटरी आ गई है अब 71% पे। तो अब हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि Amazon Prime पे 2 घंटे के लिए स्ट्रीम करेंगे और देखेंगे कि बैटरी में कितना परसेंटेज ड्रॉप होता है। स्ट्रीमिंग करते हुए हो गए हैं मेरे 2 घंटे कंप्लीट। बैटरी 71% से ड्रॉप होके आ गई है 24 पे, 47% का ड्रॉप देखने को मिला है यहाँ पे हमें। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे आपको लगभग 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप ये लैपटॉप आपको प्रोवाइड कर देगा। बैटरी लाइफ के हिसाब से इस सेगमेंट में ये लैपटॉप बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे 1 घंटे के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करेंगे, तो अगला अपडेट देंगे हम आपको 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद अब यहाँ पे बैटरी रह गई है 12% तक का। टोटल यूसेज देखें तो यहाँ पे हो गए है 5 hours और 10 minutes। तो फाइनली अब हम यहाँ पे यूट्यूब चलाएंगे जब तक कि हमारी बैटरी कम्प्लीटली ड्रेन ना हो जाए। यूट्यूब चलाते हुए मुझे लगभग आधा घंटा हो गया है, बैटरी अभी भी 2% बाकी है। देखते हैं और कब तक ये लैपटॉप चलता है। 6 मिनट बाद ही इस लैपटॉप की बैटरी कम्प्लीटली ड्रेन हो गई। तो इस लैपटॉप से मुझे 5 hours और 46 minutes का बैटरी बैकअप मिला है। जो मैंने टेस्ट किया है उस हिसाब से इस लैपटॉप ने मुझे बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया है। बैटरी लाइफ के हिसाब से इस सेगमेंट में ये लैपटॉप बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होने वाला है आपके लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बैटरी बैकअप से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।